नमस्कार मम प्रियास छात्र छात्र नमो नमः नवम इति संस्कृत पाठ्यपुस्तक शिक्षण भवतीनाम हाद स्वागतम व्यवहारे आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस आ, सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं संस्कृत के नवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और सभी छात्रों के लिए हम आज जो शीर्षक लेकर आए हैं वह है भारतीय वसंत गीतिहा और इस सत्र में इस पाठ पर आपके साथ चर्चा की जाएगी और इस चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो है वसंत ऋतु का वर्णन और हम सभी को पता है कि वसंत अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत ऋतु है बहुत ही सुंदर ऋतु है तो किससे इस ऋतु का वर्णन किया जा रहा है कौन ऋतु का वर्णन कर रहा है आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो आप सभी से उनका परिचय करवाते हैं हम तो अब आपका परिचय करवाते हैं हम डॉक्टर मनोरमा आर्य से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम नमस्ते मैम के बारे में हम बता दें बच्चों की मैम सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग जाकिर हुसैन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय नव दिल्ली से और हमारे साथ हैं डॉक्टर वाचस्पति छामणी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर धन्यवाद नमो नमः नमो नमः और सर सहायक आचार्य हैं भाषा शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नव दिल्ली से और अगर आपके मन में आ, कोई भी प्रश्न हो तो आप अपनी सभी शंकाएं हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के ज़रिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डी डॉट क्लास नाइन्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन आपकी सभी शंकाओं का और अभी आपके सभी प्रश्नों का हल हमारे विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा आप सभी को बच्चों में से काम करना है जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस सत्र की सभी जानकारी विस्तार से उस मेल में लिखनी है और अपनी शंका और अपने प्रश्न हम तक भेजने हैं तो आपकी सभी जब तक आपकी शंकाएं आती हैं आपके प्रश्न आते हैं हम अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और मणि सर हम आपके पास आएंगे आज का जो हमारा शीर्षक है बहुत सुंदर है अपने आप में और हमें बहुत ही जिज्ञासा हो रही है कि आज के इस पाठ में क्या कुछ और विशेष है सर इस पाठ का नाम है भारती वसंत गीति भारती यानी कि सरस्वती वीणा अर्थात सरस्वती सरस्वती से अनुग्रह कर रहे हैं निवेदन कर रहे हैं कवि जानकी वल्लभ शास्त्री जी जब आप विना को बजाओ, बिना को क्यों बजाओ? इस विषय का उल्लेख इस पाठ में किया गया है एक आधुनक संस्कृत साहित्य सुविख्यात कव पंडित वल्लभ काकली नामकात गीत संग्रहात अस्ति कालीमका गीते अस् अस्ीते सरस्वत वंदना यत्

स्वतंत्रता संग्रामस्य पृष्ठभूमिं अधिकृत्य इदं गीतं कस्याश्चित नवीन चेतनायाः आवाहनं करोति तथा च एतादृशस्य वीणास्वरस्य परिकल्पनां करोति यः स्वतंत्रता प्राप्तये जनसमुदाये प्रेरयेत गीतम् अस्ति इदानीं गीतं गायमः निनादय नवीनामये वाणीवीणां मृदुं गायगीतिं ललितनीतिलीनां निनादय नवीनामये वी... वाणीवीणां मृदुं गायगीतिं ललितनीतिलीनां मधुर्मञ्जरी पिञ्जरीभूतमाला वसन्ते लसन्ती सरसा कलापहा कोकिला काकलीनाम् निनादय नवीनामये वाणि वीणाम् वहति मन्द मन्दम् सनीरे समीरे कलिंदत्म सवानी रे नाम पंक्तिलोक्य मधु मधवीनादय नवीना वाणी वीणा ललित पल्ल पादपे गुंजे मलयमारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्ति प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम् निदय वीणामयी वाणी वीणाम् लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलम् చలేదు చలే కాంత సలిలం సలీలం తవా కర్ణ్య వీణా మదీనాం నదీనాం నినాదయ నవీనాం ఐ వాణి వీణాం అత్ర పద ఛేదః అస్తి నినాదయ నవీనాం అయె వాణి వీణాం मृदुम् गाय गीतिम ललित नीति लीनाम अस्य पद्यस्य भावारर्थोस्ते कविः सरस्वतीं प्रार्थयति यत हे देवी सरस्वती त्वं नूतनां वीणां वादय अपिच सुंदर नीतिलि मधुरं युक्तं गीतं गाय अत्र भावबोधन प्रश्ना अस्यां गीत पंक्त संबोधन पदम कि अस्यां गीत संबोधन पदम अस्त अये वाणी प्रथम पंक्त क्रियापद कि प्रथम पंक्त क्रियापद गा निनादय इति निनादय अस्मिन् कह लकारः कश्च धातुः अस्ति निनादय अस्मिन्

त्वं काम निनादय अयवाणी त्वं वीणाम निनादय अयवाणी त्वं कीदृशीं वीणाम निनादय अयवाणी त्वं नवीणाम वीणाम निनादय द्वितीय पंक्तौ क्रियापदं किमस्ति द्वितीय पंक्तौ क्रियापदं गाय इति अस्ति का गाय अये क्रियापदे क्रियापदे क्रियापद धातु धा गई गायतु, धातुपम गायता गाय, गाया गायतो, गाया गाया, गाया गाया गायानी गायाब गायाम तम काम गाया अए वाणी त्वं विनां निनादय ए वाणी त्वं कीदृशीं गीतिम गाय ए वाणी त्वं गीतिम गाय ए वाणी त्वं कीदृशीं गीतिम गाय ए वाणी त्वं ललित नीति लीनां गीतिन गाय ए वाणी त्वं पुनः कीदृशीं गीतिम गाय ए

नवीनाम वीनाम निनादय ललित नीति लीलाम मृदुम गीतम् गायः भावहस्ती कवि ही सरस्वतीम् प्रार्थयति यत् यत हे देवी सरस्वती तम् नूतनाम वादय वादयः अपिचा सुंदर नीति भी ही युक्तम् गाय गीतम् गायः इति अच्याहः पद्यस्यः हिन्दी भाषायां अर्थोष्टियत् कवि ही कवि जो है यह सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर इस गीति में इस वसंत गीति में सरस्वती के लिए जो पद प्रयोग किया गया है वह वाणी पद प्रयोग किया गया है सरस्वती का जो नाम है वह उन नामों में से एक नाम है वाणी ब्राह्मी भारती भाषा गीह बाक वाणी वस्तुतः सब सरस्वती के नाम हैं उस सरस्वती से कभी प्रार्थना कर रहे हैं कि नवीन बीना को बजाओ नूतन बीना को बजाओ कैसे बजाओ तो सुंदर नीतियों से नूतन बीना को बजाओ सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान गाओ यह सरस्वती से कभी प्रार्थना कर रहे हैं मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादय नवी नाम अये वाणी वीणाम अस्य पद छेद मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती इह सरसा रसाला कलापा हा ललित कोकिला काकली नाम अस्य पद्यस्य अन्वयोस्ति यत इह वसन्ते अस्मिन् वसन्ते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसन्ति ललित कोकिलानां काकलीनां कलापा लसन्ति अस्यां गीतपंक्तौ क्रियापदम केमस्ति अश्याम गीत पंक्तो हु क्रियापदम लसंति इति अस्ति के लसंति रसाला हा लसं रसाला हा इति शब्दस्त्य कोर्था हा आम्रा हा वस्तुता हा रसाला हा आम्रा आम्र विक्षा रसाला विक्षा हा अर्थात आम्र विक्षा शोभनम की दृशा हा रसाला हा लसंति रसाला लसंति की दृशा हा सरसा हा रसाला हा मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला हा सरसा हा रसाला हा मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला हा सरसा हा रसाला कुत्र लसंति मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला सरसा रसाला इह लसंति मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाहा रसाला इह कुत्रलसंति मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाहा रसाला इह लसंति इह वसंते पुनह केलसंति इह वसंते कलापा लसंति इह वसंते कासाम कलापा लसंति इह वसंते कोकीला नाम कलापा ललित को की को किला कालली कलापा लशांति अस्तु अत्र भाव अस्त यमुना <laughs> अत्र कवि सरस्वती प्रार्थयति ये हे सरस्वती सुंदर ही पत्र युक्ते पादपे पुष्पाणाम समूहे चंदनवृक्षस्य। सुगंधित वायुना स्पृष्टे मनोरमे लता स्थाने ध्वनिम कुर्वतीम कृष्ण वर्णीयानाम भ्रमराणाम पंक्तिम दृष्टवा नवीनाम वीनाम निनादया इति अश्लोकेश्वर ने अस्य अश्लोकस्य भावार्थोस्ति यत अनया गीत पंक्तिया कभी ही प्रार्थयति यत, यत भवति एताद्रिशम వీణావాదనం కరోతు వీణావాదనం శ్రుత్వ లతానాం అత్యంతం శాంతియుక్తం పుష్పం శాంతియుష్ం ఉత్ఫుల్లి భవత్ అని వీణావాదన ధ్వనిం శ్రుత్వ నదీనాం అత్యంతం స్వచ్ఛం జలం ఉచ్చలే ఊర్ధ్వం గేత్ హిందీ భావః यह वसंत इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है मनोहर काकली वाली कोलियों के समूह सुंदर लग रहे हैं हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ नवीन वीणा को बजाओ अत्र प्रश्नः अयवाणी नवीना वीणा किम कृत्वा निनादय अयवाणी नवीना वीणा आलोक्य निनादय अयवाणी नवीना वीणा काम आलोक्य निनादय अयवाणी नवीना वीणा पंक्तिम आलोक्य निनादय अयवाणी नवीनाम वीणाम की दृशिम पंक्तिम आलोक्य निनादय अयवाणी नवीनाम वीणाम नताम पंक्तिम आलोक्य निनादय अयवाणी नवीनाम वीणाम कासाम नताम पंक्तिम आलोक्य निनादय अयवाणी नवीनाम वीणाम मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य निनादय अयवाणी नवीनाम वीणाम किम कुर्वती सती मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य निनादय आये वानी नवीनाम वीनाम वहति सति मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम मालोकिय निनादय आये वानी नवीनाम वीनाम कस्मिन वहति सति मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य निनादय आये वानी नवीनाम वीनाम समीरे वहति सति मधुमाधवीनाम हम नताम पंक्तिम आलोक्य निनादय अये वाणी नवीनाम वीणाम की दृशे समीरे वहति सति मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य निनादय अये वाणी नवीनाम वीणाम सनीरे समीरे कथम वहति सति मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य निनादय अये वाणी

మలయమారుత ఉచ్చుంబితే మంజుకుజ స్వనంతీ తతి ప్రేక్ష మలినా అలీీనాం అస పద్య అన్వయపల్లవే మలయమారుత మలయమారుతంబితే మంజుకుంజే స్వనంతీ మలీనాం అలీనాం తతిం ప్రేక్ష్య వీణం నినాదయ भाव अस्त यमुना नद्य आच्छादिते आच्छादी तटे जलयुक्त वायो मंद मंद प्रवहना मधुरमालता अवनता पंक्ति दृष्टि हे सरस्वती वीना वीणा वादय कवि गाया अ यमुना के बेत लताओं से घिरे तट पर जलबिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर वाणी नवीन बीना को बजाओ नवीन बीना को बजाओ लतानाम नीतांतम समम शांतिशीलम लतानाम नीतांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छलेत कांत शलीलम सलीलम तवा कर्णवीना मदीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम एई वाणी वीनाम शोभनम अत्र पदच्छेदः अस्ति लतानाम नीतांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत

अत्र प्रश्नः क्रियते ऐवाणी त्वं किमकृत्वा नवीनां वीणां निनादय ऐवाणी त्वं प्रेक्ष नवीनां वीणां निनादय ऐवाणी कामप्रेक्ष्य नवीनां वीणां निनादय ऐवाणी त्वं ततिं प्रेक्ष नवीनां वीणां निनादय ऐवाणी त्वं कीदृशं ततिं प्रेक्ष्य नवीनां वीणां निनादय ऐवाणी त्वं स्वनन्तिं ततिं प्रेक्ष

मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य निनादय अयवाणि नवीनाम बीनाम कलिंदात्म जाया सवानीरे तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहत सति मधुनाम नताम पंक्तिम आलोक्य निनादय अस्य भाव अत्र कवि सरस्वती प्रार्थयति यत् हे सरस्वती सुंदर सुंदरहि पत्रहि युक्ते पादपे पुष्पाणां समूहे चंदनवृक्षस्य सुगंधित वायुना स्पर्शते मनोरमे लतास्थाने ध्वनिं कुर्वतीं कृष्णवर्णीयानां भमराणां पंक्तिं दृष्ट्वा नवीनाम् वीणां निनादय इति कवि कथयति अस्य हिंदी भाषायां भावार्थोस्ति यत मलय पवनसे स्पर्शित ललित पल्लवौ वाले वृक्षौ पुष्पपुञ्जो तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन नूतन नए वीणा को बजाओ निनादय नवीनाम आये वाणी कह कहके यह जो गीत है वस्तुतः यह गीत जानकी वल्लभ शास्त्री जी जो कि बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं रहने वाले कवि हैं और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों के उत्साहवर्धन के लिए इस प्रकार के गीत को लिखे हैं और बहुत सुंदर यह एक गीतम सुंदरम गीतम अस्ति गायम गीतम अस्ति अस् स्वर नीनादय नवीना मये वाणी वीण मृदु गाय गीति ललितनीतिलीलानादय नवीना अये वाणी वीनाम नमो नमः धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का मनोरमा माम और मणि सर आपका जितना सुंदर ये गीत है उतनी सुंदर प्रस्तुति रही आप दोनों की और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी देखने वालों को बहुत ही अच्छे से पूरा पाठ समझ में आया होगा गीत और उसका भावार्थ समझ में आया होगा और अपने सभी देखने वालों से हम कहेंगे कि इस सत्र को हम यहीं पे समाप्त करेंगे इसे यहीं पे रोकेंगे और हम आगे जाएंगे। कुछ ही पलों में आपके साथ दोबारा हम मिलने आएंगे, कुछ ही पलों में एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ जो कि साइंस के नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शीर्षक रहेगा ग्रेविटेशन पार्ट सेकेंड आप ज़रूर अपना साथ बनाए रखें अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति नमस्कार